स्वराज 11 इसाम्बे भंगरपाड़ा बनाम जागृति 11 डोंबिवली के बीच मुकाबला। अच्छा हुआ जागृति 11 डोंबिवली टीम जिन्होंने किया है पहले गेंदबाजी करने का फैसला। मेहमान हमारे इस भिंगारी गांव में आए, उनका स्वागत कर रहा हमारा आद्य कर्तव्य है, क्योंकि अतिथि देव भव ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है और मेहमान हमारे लिए भगवान जैसे होते हैं, तो इस बार उनका स्वागत कर रहे हैं और चल रहे मैदान के अंदर पहले बल्लेबाजी कर रहे सौराष्ट्र 11 इसाम्बे भंगारपाड़ा टीम, जिनकी सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। किरण और सूरज जोड़ी मैदान के अंदर गई है, 3 ओवर का यह मुकाबला है, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज कमलेश आए। और पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है स्ट्राइक के ऊपर किरण। 3 ओवर का मुकाबला, पहली गेंद लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से, इस बार शॉट डिलीवरी और 4 रन। अड़ाने की कोशिश की थी लेकिन ना अड़ा सके, क्योंकि इस बार शॉट में ताकत मजबूती की था और 4 के साथ खाता ओपन खुद का और टीम का भी। पनप्यो रबर बॉल प्रतियोगिता भिंगारी गांव क्रिकेट की पंडरी है और एक बार फिर से थोड़े बैकफुट पर गए, उस गेंद को खेला लेकिन ठीक ठाक संपर्क नहीं हुआ। शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, थोड़ी गेंद में रफ्तार थी, तेजी से गेंद को फेंका था, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचे है 5 के घर में। स्ट्राइक के ऊपर सूरज आए हैं, और एक बार फिर से इस बार पकड़ने की तैयारी में और पकड़ लिया, देखिए इस बार देखा जाए बल्ले के इस बार निचले हिस्से में गेंद लगी है और पहला झटका लगता हुआ यह सौराष्ट्र 11 इसाम्बे भंगरपाड़ा टीम को। और बैक टू द डगआउट सूरज आ रहे हैं वापस ड्रेसिंग रूम में। बल्लेबाज कुणाल नाइक क्या बल्लेबाजी करेंगे, जिनसे काफी उम्मीद है। पहले अकेले थे तब बड़ी बड़ी सभी टूर्नामेंट के ऊपर उनकी हाजिरी बहुत मजबूती रहती थी, अब तो शादी के बंधन में अटकने के बाद थोड़ा सा बल्लेबाजी में उनका प्रेशर कम हुआ ऐसा नहीं ना, क्योंकि वो देखना वो इम्पोर्टेंट बात है मजबूत, क्योंकि खिलाड़ियों की अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की शादी इंटरनेट में आप सभी ने देखा होगा, हाजरुद्दीन की शादी होने का थोड़ा बल्ला ढीला पड़ गया, विराट कोहली भी ऐसा हो गया, रोहित शर्मा थोड़े फीके हो गए, पांडे भी इस बार देखा उसकी दांडी हो चुकी है, और इस बार यह अपील की थी लेकिन गेंद जाकर पैड के ऊपर टकरा गई है। एक बाई के रूप में एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 6 के घर में। किरण जो व्यक्तिगत 5 रन पे खेल रहे हैं, पहला ओवर चल रहा है या 4 गेंदें खत्म हो गई, 2 गेंदों का खेल शेष है। और एक बार फिर से इस बार यह सिंगल ही मिलेगी क्योंकि शॉट अच्छा था लेकिन क्या करेंगे, ये देखिए चतुराई अच्छे डोंबिवली वालों की, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचे एक सिंगल के साथ, किरण पहुंचे 6 पे। और यहाँ देखा जाए तो सौराष्ट्र 11 इसाम्बे भंगरपाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। आखिरी बॉल शेष और ये उड़ाया, देखिए रेलवे पटरी के ऊपर मालगाड़ी आई है उसे कहने के लिए, ड्राइवर को रोको उधर गाड़ी, बेहतरीन छक्का आया और 6 के साथ स्कोर आगे पहुंचा है 13 के घर में। आखिरी गेंद के ऊपर कुणाल नायक ने छक्का लगाकर खुद का खाता ओपन किया और टीम का भी खाता ओपन किया, लॉन्ग ऑफ सी मारेगा के बाहर गेंद 6 रन के लिए गई। पहला ओवर खत्म हो चुका, 13 रन बन चुके, 2 ओवर का खेल अभी तक शेष है।
कुत्ता मैदान के अंदर आया है जहां टेनिस क्रिकेट भी टूर्नामेंट चलती है, तो ये आते रहते हैं। लेकिन दो ओवर का खेल अभी तक शेष है, इस टाइम ठीक है, लेकिन अगले टाइम ये तारे वीरे सब निकालने की कोशिश हम करेंगे। मैदान अच्छा है लेकिन नेक्स्ट बॉलर आए, बॉलर इज नेम यश। यश के सामने है किरण और उड़ाया और पिच गेंद को खड़े खड़े ठोक दिया और कह दिया जाओ ढूंढो के लिए गेंद को। छेक के साथ 12 पे पहुंचे किरण और टीम का स्कोर पहुंचा 19। यश का छक्के के साथ स्वागत किया। बाल्टी में बॉल बहुत है, यश जिनकी पहली गेंद थी बिल्कुल स्लॉट पे गेंद थी। सुरान शिलवन इसाम्बे भंगर बड़ा टीम का स्कोर पहुंचा 19 के घर में। नेक्स्ट बॉल राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। आहा हा हा हा, क्या यार शॉट को खेला यार, रोहित शर्मा की याद दिलाई इसने, क्रॉस बैट से इसे कह देना कि आरा शॉट। और 90 के दशक में जब ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में हम इसे खेलते थे तब लोग कहते थे अड़वा पट्टा। तो इसी बीच इस 6 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा है 25 के घर में। मंगल बाला के हमारे स्कोरर उनका अक्षर और सुधर गया है, भिंगारी का माफ कीजिए, तो इस बार हमारे आयोजक करता ही खुद है, मुझे लगा थोड़े से हेल्पिंग करने के लिए आएंगे भंगार बाड़ा से कोई, लेकिन नहीं है क्योंकि हमारे पास भी है। लेकिन अच्छा आप स्कोरिंग कर रहे, अक्षर भी आपका अच्छा है, कोई देख के आपके ऊपर फिदा भी हो सकती है, 100% समझ जाते हम स्कूल के हेड मास्टर थे, बस हम नापास हो गए। लेकिन चलते एक बार फिर से हंसी मजा तो चलेगी, 25 स्कोर, शानदार बल्लेबाजी और इस बार अच्छी बॉल। गेंद अंदर आई है, तो आखिरी इस ओवर की 3 गेंदें शेष है और एक बार फिर से इस बार यहां पुल किया था लेकिन गेंद चली गई है डिक्लेयर जोन में। 1 मिलेगा सिंगल के साथ स्कोर 27 के घर में 27। एक साइड से किरण की हम आपके 26 रन हो चुके हैं, तो इस बीच जहां मेरे हिसाब से यहां देखा जाए तो 19 रन पे खेल रहे किरण। कुणाल नायक इस बार स्ट्राइक के ऊपर, ये देखिए इस बार हवा में जरूर गेंद है लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है, नो मैन्स लैंड में गेंद गिर चुकी है। एक चुराया, दूसरा चुराया, तीसरे के लिए भाग रहे और यह रन आउट का मौका, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। गुड रनिंग, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बास के नजर के साथ 3 रन पूरे कर दिए। क्या बात है, भिंगारी वाले दौड़ने में माहिर है। तो इस 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। 3 के साथ कुणाल नाइक पहुंचे 9 पे, लेकिन किरण जैसे सलामी बल्लेबाज इस बार देखा जाए सुरान शिलवन इसाम्बे भंगर बड़ा टीम के लिए काफी शानदार योगदान दे रही है। और इस बार हवा में लेकिन डिक्लेयर 1 मिलेगी, क्या भागो तुम लोग, अंदर मत आओ यार। और दो रन इकट्ठा किया, तुम्हें बैठने के लिए बाउंड्री के बाहर जगह बैठी है, वहां जाके बैठो। और 2 के साथ स्कोर 31 के घर में, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, आखिरी 6 गेंदे शेष है। पहले ओवर में 13, इस ओवर में 18 है, रन बन चुके दो ओवर के समाप्ति के बाद। सुरान शिलवन इसाम्बे भंगर बड़ा टीम का स्कोर 31। चार बजकर 35 मिनट हो चुके हैं, शाम का टाइम है, सभी को घर जाना है। सुबह से हम लोग यहां आए हुए हैं, घर वाले सोच रहे हैं कि कहां गए, अभी तक इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर हमारा प्यार है, हम कहते हैं ना हमारा राष्ट्रीय खेल वैसा हॉकी है,
लेकिन इस क्रिकेट के ऊपर इतनी हमारी नजर हो गई कि हमारा दुलारा खेल बन चुका है। आखिरी छह गेंदे फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे यहां जागृति इलेवन डोंबिवली टीम के शुभम। आखिरी छह गेंदे शेष, लंबा रन ऑफ है लेकिन अंपायर के इस बार थोड़े से नजदीक देखे तो अच्छा लगे। आज संभाल के आप गेंदबाजी कीजिए। कुणाल नाई के लिए गेंद तीस बार देखा जाए, यहां रन आउट का मौका बनेगा और आउट। कुणाल नाइक वापस नौ रन बना के 31 रन पे यहां दूसरा विकेट गिरता हुआ। सुरांश इलेवन इसाम्बे बंगरबाड़ा टीम का। आखिरी पांच गेंदे शेष है, सिद्धेश वास्कर मैदान के अंदर पहुंच चुके जो ओम साई बंगरबाड़ा इनके माध्यम से नाइट का आयोजन किया था। समीर कटेकर साहब और सतीश कटेकर साहब इनके नेतृत्व में बहुत मजा। आखिरी पांच गेंदे शेष, शुभम और ये कैच की संभावना नहीं, जाने की संभावना है, गई। क्या इस बार देखा जाए, इस सब फटाक कान के नीचे बजने के बाद आ जाता है ना, हमारे गुरु जी सब याद आ गए। हाँ, भिक्षु का जैसा एक थप्पड़ लग गई ना, मानो कान के नीचे पर्दा फाट गया, खटक चरण। हाँ भिक्षु, वो छाती छाती, लेकिन इसकी छाती देखो गई, 56 इनकी हो गई है स्कोर 37, 37 पे जा चुका है। आखिरी चार गेंदे शेष है, किरण की सुंदर बल्लेबाजी और यार 6 रन यार, भिंगारी में गेंद चली गई है, दर्शकों को नहीं ग्रामस्थों को कहने के लिए घर छोड़ के आओ मैच देखने के लिए, लड़का भड़क गया है। खड़े खड़े ठोकने की मजा ही कुछ अलग होती है यार, और वो फटका जब बैठता है ना सामने कोई भी वजह लस्त पस्त हो जाती है। आवाज कड़क आना चाहिए, बस आवाज मधुर आया समझ जाए काम फिट। आवाज जरा पोकल हुआ तो उसमें मजा नहीं, आवाज मजबूती का है। जाओ बॉल लेके, पिछले साल में उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी ली, सलामी बल्लेबाज की सलामी पारी देखी है, ये विस्फोटक बल्लेबाजी होती है तो वीरेंद्र सहवाग की याद आती है। 6-7 स्कोर पहुंच चुका है 43-43। ये जानते बंगरबाड़ा की टीम भी कि सामने जागृति इलेवन डोंबिवली टीम है, मेहमान टीम है। किरण पवार 33 पे खेल रहे हैं। किरण पवार का अपना है, अपने सभी ने देखा होगा, वन हाथ में उन्होंने ऐसे शॉट मारे हैं ना यार, किसी की हिम्मत भी नहीं अभी तक हुई है वन हैंड का इस्तेमाल करके। बिल्कुल बाहर देशों में उन्होंने दिखाया और बाहर देशों में ऐसे शॉट लगाने के बाद कई लड़कियां भी बोलेगी ओ व्हाट अ यार्ड। ऐसे हमारे रायगढ़ जिले के अंदर ऐसे तगड़े तगड़े बल्लेबाज है। और किरण पवार के बारे में क्या, हमारे पेन के मैदान के वो पहली दफा वो आए थे ना, हमारे दर्शकों को देख के वो खुश हो गए, दर्शक उसके दीवाने बने थे। LED लाए थे उन्होंने, फैल्स फैदम नगर पालिका के मैदान के ऊपर धुआंधार बल्लेबाजी की थी, आज भी सुंदर बल्लेबाजी चल रही है। अरे यार पवार को ऐसी गेंद देगा तो क्या होगा, मार्केट में गवार का भाव कम है लेकिन आज भिंगारी में पवार का भाव ज्यादा है। बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है 47-47 के घर में और किरण पवार 37 पे खेल रहे। आखिरी दो गेंदे शेष है, जब बल्लेबाजी धाकड़ होती है ना तो गेंदबाज के थोड़े से हौसले कम होते, लेकिन डरो मत, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है। आजकल का क्रिकेट इतना फास्ट है, पटरी के ऊपर रेलगाड़ी चलती है, राजधानी एक्सप्रेस का खेल है। 50 बनाने के लिए बस 3 रन चाहिए सुरांश इलेवन इसाम्बे बंगरबाड़ा टीम को। आखिरी दो गेंदे शेष और इस बार पावर पकड़ने की तैयारी में और कैच ड्रॉप, ये रन बनने की तैयारी में क्या होगा, और भाई सब देखिए
फीस बड़ी है। अक्ल इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, क्रिकेट में क्रिकेट का खेल बुद्धि और कौशल्य का खेल है। पवार स्ट्राइक के ऊपर के वास्कर को कह दिया भाग जा, वास्कर को किस्मत ने साथ दिया, अगर बॉल हाथ में मिल जाता तो वास्कर वापस आता। लेकिन आखिरी गेंद शेष 49 50 बनाने के लिए एक रन चाहिए, आखिरी गेंद शेष है। आर्य पर इस बार बेहतरीन तरीके से हुक किया, लेकिन क्या होगा, चार या बाउंड्री अंपायर, चार रन। क्या धुआंधार मैराथन इनिंग खेली है, विस्फोटक बल्लेबाजी की है। ऐसा किरण मापौर मार रहा था तो वीरेंद्र सहवाग की याद आ गई मुझे, और इस बाउंड्री के साथ तो स्कोर पहुंच चुका 53 के घर में। और जीतने के लिए या जागृति 11 डोंबोली टीम को 18 गेंदों में 54 रन चाहिए। किरण पवार कितने रन पे नॉट आउट रहे, चार तो छक्के हैं, तीन तो बाउंड्री है। 41 रनों की धुआंधार नॉट आउट पारी खेली, और इस पारी के बदौलत यहां देखा जाए तो सौरांश 11 हिस्सा में भंगारबाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 53। जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है, 54 की जरूरत है, तो ऐसे रात में 54 रन इकट्ठा करने में यहां देखा जाए तो जागृति 11 डोंबोली टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी और सौरांश 11 हिस्सा में भंगारबाड़ा टीम की गेंदबाजी कैसी होगी। मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, लेकिन हम माइक्रोफोन के ऊपर बदलाव करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे परम दोस्त आ रहे माइक्रोफोन के ऊपर, प्रथमेश ठाकुर, इनकी जुबानी सुनिए, क्रिकेट की कहानी कैसी होगी ये सुनिए। मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम जानते नहीं है, लेकिन कमेंट्री में बदलाव होना चाहिए। हम थोड़ी रेस्ट लेते हैं, मिलते हैं अगले मैच के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच मात्रे सर, अप्रतिम हिंदी समालोचन तुम्ही पूर्वार्धामध्ये ऐकलं, उत्तरार्धामध्ये 54 धावा करायच्या, 53 धावा कुठल्यात, तर म्हणजेच बॅटिंग करताना नाणेफेकीचा कौल गमावल्यानंतर त्यांना बॅटिंग करावी लागली। सौरांश 11 भंगारबाडा टीम, सौरांश 11 निसांबे भंगारबाडा टीम तुम्ही पाहिलं पूर्वार्धामध्ये खेळताना, अप्रतिम फलंदाजी म्हणजेच किरण पवारची, 1 and 6 किंग मिस्टर केपी, आणि त्याच्या बॅटमधून धावायला 41 काय अफलातून बॅटिंग गेली। पहिल्या षटकामध्ये अगदी पहिल्या तर कमलेशच्या विरोधामध्ये एक षटकार एक चौकार, त्यानंतर यशच्या षटकामध्ये अप्रतिम बॅटिंग गेली जिथे 18 धावा खर्च केल्या यशने, आणि शेवटच्या षटकामध्ये जर विचार केला तर तब्बल 22 धावा खर्च करत असताना तुम्हाला पाहायला मिळाला गोलंदाज शुभम। अशा प्रकारे राहिला पूर्वार्ध जिथे धावा बनवल्या 53-54 लक्ष उत्तरार्धामध्ये, आणि आता हे जे धावांचं डोंगर बनवलं आहे ना पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करताना सौरांश 11 इसांबे भंगारपाडा टीमनं, तो धावांचा डोंगर जर तुम्हाला सर करायचा अर्थातच तुम्हाला पाहायला मिळते उत्तरार्धामध्ये बॅटिंग करताना टीम जागृती 11 डोंबिवली, हा जर धावांचा डोंगर सर करायचा आहे ना तुम्हाला पहिल्या बॉलपासून अटॅकिंग क्रिकेट खेळणं भरपूर महत्त्वाचं आहे। डॉमिनेटिंग क्रिकेट, अटॅकिंग क्रिकेट खेळणं आता इथून महत्त्वाचं, आणि त्यासाठी ओपनिंग पेअर सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये, मुकेश आणि हरेश। हरेश मिरकुटे मुकेश काय कर, मुकेश काय कर, गेला मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच, ज्याच्या बॅटमधून धावा आल्या 17, ज्याने फुलातून बॅटिंग पहिल्या मॅचमध्ये केली आणि आता इथे गरज आहे संघाला। हरेश मिरकुटे ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आला होता गेल्या मॅचमध्ये, आणि आता एका षटकाराने काम चालणार नाही आहे, आता गेल्या मॅचमध्ये जो एक षटकार मारलाय ना त्या प्रकारची बॅटिंग आता इथे शेवटच्या षटकापर्यंत शेवटच्या बॉलपर्यंत करावी लागेल, कारण इथून दरम्यान करायच्या धावा 54 आणि मेहनत भरपूर घ्यावी लागेल, इथून संघर्ष जागृती 11 डोंबिवली टीमला भरपूर करावा लागणार आहे। अठराची सरासरी प्रति षटका मागे, पंचाचा ग्रीन सिग्नल, सामना सुरुवात, लेट्स प्ले गेम ऑन। पहिला बॉल गोलंदाज, गोलंदाजी मार्क वरती, अनुभवाची शिदोरी, अनेक वर्षाचा अनुभव या गोलंदाजाकडे, फिरकीचा जादूगर रघु परदेसी। ओ पहिलाच बॉल बॅक टू द बोलर, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, पहिला बॉल डॉट, गेल्या मॅचमध्ये देखील डॉट बॉलने सुरुवात केली होती ते म्हणजे हरीश मिरकुटे, आणि या मॅचमध्ये देखील सुरुवात करूया डॉट बॉलनं। 54 रिक्वायर्ड, 70 डिलिव्हरीज, 17 चेंडू, 54 ची गरज, हाफ ट्रॅकर लाईन पाहिली जाईल, आउटसाइड ऑफ स्टिक, व्हाईट बॉल,
पंचांचे दोन्ही हात जमिनीला समांतर, धाव मिळते अवांतर आणि धावसंख्या एकने पहिली धाव फलकावरती धावा, पहिली धावसंख्या एक थांबून टाकण्याचा प्रयत्न फिल्डर आहे, इथे देखील धाव मिळणार नाहीये. धावांसाठी संघर्ष जो सुरू आहे ना तो मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय, कारण या गोलंदाजाकडे अनेक वर्षाचा अनुभव आहे, तो अनुभव आता वापरण्यात देखील नाही. घरचं मैदान आहे आणि त्यामुळे वातावरणाशी अनुकूल परिस्थितीशी अनुकूल आहे, माहिती आहे परिस्थिती, भौगोलिक परिस्थिती मैदानाची, खेळपट्टीची, आणि त्याला अनुसरून गोलंदाजी देखील चांगली होते. वा अफलातून अफलातून गोलंदाजी, सटीक लाईन लेंथ तुम्हाला पाहायला मिळते, आणि हा असा गोलंदाज आहे ना ज्याने कधी भिंगारी टीमला असेल किंवा त्यांच्या पाठीराखाला असेल, जेव्हा ज्या संघातून खेळतो ना त्या कोणत्याही संघाला नाराज केले नाही. अफलातून गोलंदाजी, आणखीन एक बॉल डॉट हरेश बिरकुटेला ठेवलाय बांधून. एक जे अवांतर धाव खर्च गेले होते तीस एक धाव दाफलकावरती आहे, आणि गेले चार चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतात. सलग निर्धाव लॉफेड इट, मिस टायमिंग, बॉल अवे मध्ये, बॉल आता डीप मध्ये चाललाय, क्षेत्ररक्षक वेगाने आल्यात, आणि दरम्यान दोन्ही फलंदाजांना मिळतो कालावधी. दोन धाव वेगाने केल्यात कंप्लीट आणि धावसंख्या तीन वरती. मी ज्या प्रकारे उल्लेख केला होता पहिल्या बॉल पासून तुम्हाला डॉमिनेटिंग क्रिकेट खेळायचा, अटॅकिंग क्रिकेट खेळायचा, पण डॉमिनेट खेळा अर्थाने रघुपर दिसीने केलंय, आणि आणखीन एक इथून विकेट मिळताना लागणारा हा मोठा पहिला धक्का. हरेश मिरकुटेची खेळी संपुष्टात आणि चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम अप्रतिम गोलंदाजी, कौतुक करावं तिथे कमी आहे गोलंदाजाचं. अर्थातच रघु परदेसी तुम्हाला पाहायला मिळाले पहिल्या षटकामध्ये, ज्याने अफलातून गोलंदाजी केली, धावा खर्च केला फक्त आणि फक्त तीन, आणि एक गडी बाद देखील केला. चांगली गोलंदाजी आणि पूर्णपणे ना या गोलंदाजीने पहिल्या षटकामध्ये सामन्याचं भविष्य उलगडलंय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावरती विकी तुम्हाला पाहायला मिळतो. आता समीकरण भरपूर कठीण झालंय, कारण 12 चेंडू शिल्लक आणि 51 ची गरज आहे. 25.50 सरासरीने इथून धावा आता करायच्यात, कारण एकंदरीत पाहिलं तर तीन धावा फक्त आणि फक्त मध्ये. बॉल तयार सचिन, पहिला बॉल सचिनचा अलॉंग द कापेट ऑन साईडला, मिड विकेटला बॉल ट्रॅव्हल झालाय, क्षेत्ररक्षक वेगाने धावत आल्यात, चपळ क्षेत्ररक्षक आहेत. इथे मिळेल धावसंख्या दोन आणि टीमची टोटल पाच, पाच धाव धावफलकावरती लागल्या. 54 लक्ष आहे, 49 करायच्यात, लक्ष वाढत चाललंय, कारण मोठ्या फटक्यांपासून अजूनही वंचित आहेत फलंदाज. जागृती 11 डोंबिवलीज आहे ऑन साईडला, यावेळेस पुन्हा एकदा निराश, स्वतःवरती नाराज आहेत विकी, कारण खऱ्या अर्थानं इथे ना प्रत्येक बॉलवरती तुम्हाला चौकार आणि षटकाराची भाषा बोलायची आहे. जिथे मोठे फटके येत नाही आहेत, पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली, समोरच्या फलंदाजाला बांधून ठेवलं, अगदी चार चेंडू निर्धाव, त्यामध्ये एक बॉल वाईड आला, त्यानंतर एका बॉलवरती डबल रन कम्प्लीट केले आणि शेवटच्या बॉलवरती दरम्यान विकेट मिळाली. ओ हा फ्रॅकर होता, भरपूर अखूट टप्पा त्या चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न, पंच करायचा होता बॉल, स्मॅश केला, पॉइंटला फिल्डर आहेत. या बॉलवरती देखील दरम्यान पाहिलं तर सिंगल कंप्लीट केली गेली, सात धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. आता ज्या अशा अपेक्षा होत्या ना जागृती इलेव्हन डोंबिवली टीमच्या, जो दिवा आशिषचा पेटला होता तो आता हळूहळू विसतोय की काय, हा प्रश्न मैदानामध्ये उभा राहतोय. जे स्वप्न पाहिलं होतं ते स्वप्न आता निस्तनाभूत होतंय की काय, हा प्रश्न मैदानामध्ये आहे, कारण सर्व युवा खेळाडूंना घेऊन हा संघ आता पहिल्या फेरीमध्ये जिंकून दुसऱ्या फेरीमध्ये पदार्पण त्या संघाने केलं, पण आता दुसऱ्या या फेरीमध्ये निराश केलं, थोडासा थोडीशी मिसफिल्डिंग आहे, पण परिणाम फारसा काही पडणार नाही या मिसफिल्डिंगचा. शेवटचा चेंडू या षटकातला आणि धावसंख्या धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळते ती म्हणजे 9. शेवटचा बॉल बोला तो यार सचिन, ओ बॅक ऑफ द लेंथ हाताळण्याचा प्रयत्न, इथे देखील प्रॉपर कनेक्शन होत नाहीये. षटक समाप्तीचा इशारा, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4.50 सरासरीने 9 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. बॅटिंग करताना टीम जागृती 11 डोंबिवली.
सहा चेंडू आणि 45 गरज अशक्य समीकरण आहे, भरपूर कठीण समीकरण. आणि पहिल्याच बॉल वरती दरम्यान सिंगल. रिची जितू निलेश इलेवन, डोंबिवली टीमचे कॅप्टन आणि गावदेवी गावठण दोन्ही टीमचे कॅप्टन या ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या माध्यमातून आपल्याला कॉल देण्यात येतो. यावेळेला ऑन साईडला लॉंग ऑनला फटका चांगला आणि समोरच्याला देखील क्षेत्ररक्षण करावं लागते. मजा आहे पावसाळी क्रिकेटची. तर चौकार असेल आणि धावसंख्या चौकाराने पुढे सरकत असताना मॅचमध्ये फक्त आता औपचारिकता शिल्लक आहे, कारण तब्बल पाहिलं तर 45 धावांची गरज असताना दरम्यान 5 धाबा कंप्लीट केल्या, 40 धाबा करायच्या, प्रत्येक बॉलवरती दरम्यान 10 धावा पाहिजेत. हा बॉल डॉट निर्धाव चेंडू, 3 चेंडू शिल्लक या मॅचमध्ये. आता फक्त औपचारिकता फॉर्मॅलिटीज आर गेटिंग कम्प्लीटेड. पुन्हा एकदा बॉल ऑफ केलाय, उंच भरपूर गेला, लांबी आणि उंचीचा संगम होईल का आणि षटकार लेट पण थेट विकीच्या बॅटमधून. तर फक्त आणि फक्त औपचारिकता पूर्ण होताना मैदानाच्या आतमध्ये 2 चेंडू शिल्लक आहेत. पुन्हा एकदा बॉल मिस टायमिंग, कोणत्याही क्षेत्राक्षा खाल्ला नाहीये. रिची जितू निलेश इलेवन, डोंबिवली टीमचे कॅप्टन आणि गावदेवी गावठण दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय लगेच जायचं. येस, ऋतिक पाटील येतात. बोलत यार, ओ स्मॅश केला ऑन साईडला, फटका चांगला आणि सामना संपला. मॅच फिनिश आणि हा सामना इथून जिंकला स्वरांश इलेवन भंगारपाडा. स्वरांश इलेवन इसांबे भंगारपाडा टीम ना, नो डाऊट अबाउट मॅन ऑफ द मॅच, ज्याच्या बॅटमधून 41 धावा आल्या. पवारची पॉवर ज्याने दाखवली तोच किरण पवार ठरला या सामन्याचा हिरो, सामनावीर, मॅन ऑफ द मॅच. आणि या स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग नोंदवला, याबद्दल तुमचं कौतुक आणि आभार. टीम जागृती इलेवन डोंबिवली. गावडी गावठण टीमचे कॅप्टन आपण या लगेच. तर मी तुर्तास थांबतो, तुमच्यावरून रजा घेतोय आणि कॉम्बॉक्समध्ये इन्व्हाइट करतोय समृद्धी सोमणे सरांना. तुम्ही त्यांचा आवाज पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये ऐकाल. आभार व्यक्त करेन टीम भिंगारीचा, ज्यांनी मला समालोचन करण्याच्या या भिंगारी चषकामध्ये संधी दिली. थँक्यू सो मच. प्रथमेश ठाकूर, तुमचं अभिनंदन. हॅलो, थँक्यू प्रथमेश ठाकूर, तुमचं मनापासून आभार. तुमचं योगदान या स्पर्धेसाठी लाभलं. दिनी टीम या आपण गावदेवी गावठाण, त्याचबरोबर रिची जितू इलेवन डोंबिवली कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्याचबरोबर मॅच मॅच आणि बाय अशा 3 चिठ्ठ्या. पाहूया नशीबवान कोण असणार आहे, कुणाल नाईक पुढच्या मॅचेस. गावदेवी गावठाण टीम जाऊन पोचले पुढच्या फेरीमध्ये, टॉस आता आपण करून घेऊया. सेमीफायनलमध्ये जाऊन पोचले गावदेवी गावठाण, कॉंग्रॅच्युलेशन. मॅच असेल 3 ओव्हरची. टॉस जिंकलाय तो, यस. रिची जितू इलेवन डोंबिवली या संघाने आणि आपला निर्णय आणि अगोदर त्या अगोदर मॅन ऑफ द मॅच आपण देऊया किरण पवार. पॉवर दाखवली क्रिकेट मधले, काय फटकेबाजी केले. मिनेश शाह साहेब, एसी सिव्हिल इंजिनियर, ONGC, त्यांना मी विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण किरण पवार ट्रॉफी आपण द्यायची. जबरदस्त बॅटिंग केली किरण पवारने, समोरच्या दिशेने आडव्या बॅटने धुवाधार फटकेबाजी. एक तर टॉवरिंग सिक्सर मारला, एक षटकार भिंगारी गावात गेला. ताकदीची फटकेबाजी, परंतु जागृती इलेवन डोंबिवली टीम कडून जो संघर्ष व्हायला पाहिजे होता तो मात्र झाला नाही. चांगली टीम आहे जागृती इलेवन डोंबिवली हा संघ. मिनेश